हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई में पूछे गए थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल, यानी कि इस वीडियो में हम लगभग 10 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपका रिसेंटली एग्ज़ाम है तो आप ये जो है क्वेश्चन एक बार देख के जा सकते हैं, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको वापस पूछा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसीलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन द टेम्परेचर स्केल पी एज 130 P एंड -20 डिग्री P रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन दिस स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक कोई स्केल है, ठीक है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 130 डिग्री P, यानी कि 130 डिग्री P ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, और फ्रीजिंग पॉइंट है -20 डिग्री P। और यदि हम बात करें डिग्री सेल्सियस स्केल की, तो आप सभी को पता है जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यदि यहाँ पे पूछा गया है कि 60 डिग्री जब सेल्सियस होगा, यानी कि हमारा जो सेल्सियस स्केल है उसमें 60 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसमें कितना होगा, तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स मान लिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको करना क्या है कि एक्स माइनस -20 अपॉन 130 माइनस -20, यानी कि ये हो जाएगा आपके एक्स माइनस -20, ठीक है, अपॉन 130 माइनस -20 बराबर हो जाएगा, जैसे इसी में किया है उसी में जो डिग्री सेल्सियस में भी ऐसे ही करना है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 20 अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 150 बराबर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 100, तो ये तो कितना हो गया 2 और ये 3 और ये हो गया आपके 30, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20 बराबर कितना है, 90 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री P। तो इस स्केल में जो एक्स की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री P, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क हीट ट्रांसफर पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम इज गिवन बाई dW/dt बराबर 1/20 kJ/ degree Celsius, dQ/dt बराबर 1/100 kJ/degree Celsius। वट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 160 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या है, डेल क्यू बराबर DU+ΔW होता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल क्यू डेल डब्ल्यू होगा तो DU आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए DW बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 dt हो जाएगा, तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे 1/20, देखिए इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्या करेंगे, डी यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू बराबर हो जाएगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब डेल क्यू की वैल्यू कितनी है आपके, हो जाएगी 1/10 और dt -1/20 dt, dt कॉमन ले लेते हैं, और 1/10 -1/20 कितना हो जाएगा, 1/20, और dt को ये आपका dt हो जाएगा। अब यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो t हाईएस्ट माइनस टी लोवेस्ट, या कह सकते हैं T2 - T1, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/20 T2 - T1। अब T2 कितना है, 350 माइनस आपका हो जाएगा 160, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/20 × 190, तो 19/2, 19 का आधा कितना हो जाएगा, 9.5, 9.5 kJ आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल
डिफिकल्ट लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना है। 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू ए हीट इंजन एट 727 डिग्री सेल्सियस। इट रिजेक्ट हीट एट 900 किलो जूल पर मिनट एट 223 डिग्री सेल्सियस। दिस टाइप ऑफ इंजन इज, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि यह इंजन कैसा है। अब आप सभी को पता है यहाँ पे आपको कितना टेम्परेचर दे रखा है, दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, तो हमारी जो कार्नोट एफिशिएंसी है वो आ जाएगी। कार्नोट एफिशिएंसी क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि आप सभी को पता है कार्नोट जो है आइडियल साइकिल है और किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T lowest / T highest। तो 1 - T lowest कितना है, 223। अब इसमें 273 में ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 500। और 727 में 273 ऐड कर दूंगा। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ जब भी आपको न्यूमेरिकल करें तो टेम्परेचर आपको केल्विन में ही रखना है। तो 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 1000। तो हमारी जो कार्नोट एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 50%। ठीक है, अब जो हमारा इंजन जो है, हमारा इंजन, उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो यहाँ पे क्या दे रहेगा, 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड एंड हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है, 900। तो 1 - Q reject / Q supply, तो 1 - Q reject कितनी हो रही है, 900 / supply कितनी हो रही है, 2500। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 - 9 16/25। अब 16/25 क्या करना है आपको, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 चौक 100 होता है तो 16 चौक 64, तो 64% हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको ऐसे ही करना है, यानी कि हमारी जो एफिशिएंसी जो है, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किससे ज़्यादा आ रही है, कार्नोट से। और कोई भी इंजन की जो है एफिशिएंसी कार्नोट से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हमारा इंजन कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ज़्यादातर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करना है। व्हाट इज़ द ड्रॉप इन एंथैल्पी फॉर ए स्टीम विसल विच इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डज नॉट वर्क हैज़ एन एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट 40 m/s। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द ड्रॉप इन एंथैल्पी। अब आप सभी को पता है यदि हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो क्या होगा, इस साइड क्या बच जाएगा, एंथैल्पी H1 प्लस V1² / 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगी प्लस V2² / 2। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है तो हम क्या मानेंगे, जीरो। और H1 - H2 क्या हो जाएगा आपके, डेल्टा H, एंथैल्पी डिफरेंस ही तो पूछा गया है, तो ये जीरो मान लेते हैं क्योंकि V1 वेलोसिटी हमको देर नहीं रखी है, तो V2² / 2। अब यहाँ पे देखिए एंथैल्पी जो है आपको किलो जूल पर किलोग्राम में दे रखी है, लेकिन ये वेलोसिटी जो है आपके इसके हिसाब से ये जूल में आएगी, तो हमको क्या करना है, इससे 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगी, किलो जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे V2 वेलोसिटी कितनी है आपके, 40, तो 40 × 40 / 2000। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, 16/20। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन के टाइम में यूनिट क्या दे रखी है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप अपन वेलोसिटी में 1000 का डिवाइड करेंगे तभी ये किलो जूल में कन्वर्ट होगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ फ्लूड दैट ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 1.5 m³ इफ द इंटरनल एनर्जी इज 3.5 MJ/kg एंड द प्रेशर इज 0.3 MN/m². तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, और एंथैल्पी का फॉर्मूला मैं बहुत बार बचा चुका हूँ, H = U + PV होता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान क्या रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। अब देखिए आंसर जो है आपका किस में आ रहा है, मेगा जूल में। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी आपको कितनी देर की है, इंटरनल एनर्जी देर की है आपको
3.5 मेगा जूल पर किलोग्राम। तो मेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3.5 मेगा जूल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा, प्लस पीवी। प्रेशर आपका कितना है, 0.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मेगा में दे रखा है, तो 0.3 इंटू वॉल्यूम कितना है, 1.5। बस आंसर आ जाएगा 35 इंटू 3 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपके 10.5 प्लस 15 × 45 यानी कि 0.45, तो ये हो जाएगा आपके 10.95 मेगा जूल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नोट इंजन रिजेक्ट 30% ऑफ एब्जॉर्ब हीट एट ए सिंक एट 30 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको इजीली कर देंगे, तो एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कार्नोट हमारा जो है आइडियल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है, तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी, या कह सकता हूँ Q1/Q2 = T1/T2, ठीक है, या कह सकता हूँ मैं Q supply / Q reject / T highest / T lowest। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है, टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज, यानी कि आपको T1 पूछा है, ठीक है। तो रिजेक्ट कितनी हो रही है हीट, 30%, तो मान लो Q सप्लाई कितनी हो रही है, Q, और रिजेक्ट कितनी हो रही है 30%, यानी कि 0.3 ऑफ Q बराबर कितना हो जाएगा, T1/T2। T2 कितना है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री अपन 273 ऐड करेंगे तो 303 हो जाएगा, तो यहाँ से T1 आपके पास आ जाएगा 303/0.3, तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर लगा दीजिए और ये कितना हो जाएगा 101, और एक जीरो आ जाएगा, ये आपके केल्विन में आ गया। अब इसको क्या करना है आपके, देखिए एग्जामिनर कितना होशियार है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है 1010 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये तो हमारा किस में है, केल्विन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो केल्विन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, तो 273 हमको निकालना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर है वो 373 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ना कि डी। तो जल्दीबाजी में आपको आंसर टिक नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको रिवाइज के लिए न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाई टू ए हीट इंजन एट 1200 केल्विन, इट रिजेक्ट हीट एट 1500 किलो जूल पर मिनट एट 600 केल्विन, दिस टाइप ऑफ इंजन इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगानी है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यदि हमारा लेस देन जीरो होगा तो इरिवर्सिबल, इज इक्वल्स टू होगा तो जीरो, ग्रेटर देन होगा तो इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कहेंगे, Q1/T1 - Q2/T2, तो हमारा Q1 कितना है, 2500 अपॉन T1 कितना है, T1 आपको डायरेक्ट केल्विन में दे रखा है 1200, माइनस Q2 कितना है, Q2 है आपके 1500 अपॉन 600। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है, बस ये जीरो निकाल देना है। अब देखिए 25/12 कितना होता है, 12 × 24 यानी कि 2 पॉइंट बहुत ही कम आएगा, यानी 0 समथिंग आएगा, ठीक है। माइनस देखते हैं, अब ये देखिए 6 का भाग देंगे तो 6 × 12 यानी कि 2 3 बच जाएगा, यानी कि 0.5, ये 2.5 ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है आपके नेगेटिव में आएगी, कितनी आएगी वो अपन को मतलब नहीं है, तो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है यानी कि लेस देन जीरो आ रही है, तो लेस देन जीरो क्या होता है, इररिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कैलकुलेशन थोड़ी दे रखी है, आपको ये पूछा है कि यदि जीरो से कम है तो क्या हो जाएगा, इररिवर्सिबल, जीरो के बराबर आ जाती तो रिवर्सिबल, और जीरो से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव में आ जाती तो इम्पॉसिबल। बस ये आपको पता होना चाहिए कि क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या है। द लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2560 किलो जूल पर किलोग्राम, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द इवोपरेशन। तो आपको सिंपली ये पूछा है कि एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इतना पता होना चाहिए कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी होता है, तो डेल्टा क्यू कितना दे रखा है 2560 अपॉन टेम्परेचर कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में ऐड कर दूंगा तो 373 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतनी कैलकुलेशन तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन देखते हैं, ये माइनस में तो ये तो गलत हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए 25 पॉजिटिव में है, फिर देखिए 256 है, फिर 6.86, तो बहुत ही डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है 400 मान लेता हूँ मैं, 400 मानूंगा तो एक जीरो चला जाएगा। अब 4 का भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है अपन को कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो ये करेक्ट हो जाएगा, 6 के आसपास ही आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ना सेकंडों में आंसर। तो एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि आप कैलकुलेशन करो, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको आता है या नहीं आता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एंट्रोपी और हीट में रिलेशन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर आइडियल होना चाहिए यहाँ पे, आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ आर इज 0.280 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.375, द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी। यहाँ पे आपको सीपी और सीवी की पूछी गई हैं, और सीपी सीवी में और गामा में आर में रिलेशन क्या है। तो यदि मैं बात करूँ सीवी, सीवी बराबर होता है आर अपॉन गामा माइनस वन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा डायरेक्ट। और सीपी होता है गामा टाइम्स ऑफ सीवी, या मैं कह सकता हूँ गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ये यदि पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 0.280 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी है 1.375, माइनस वन करूँगा तो 0.375 आ जाएगा। अब हम पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, 280 अपॉन 375, 5 से तो आप काट ही सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये यदि हम 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 अपॉन 75। अब यहाँ पे देखिए 56 अपॉन आएगा, ठीक है, 56 को मैं क्या करता हूँ कि 55 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो 55 मानूंगा ना मैं इसको, तो क्या कर 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11/15। अब मैं इसको 10 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप आंसर कैसे आता है, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि लगभग ये आ रहा है आपके 0.66, लेकिन मैंने देखिए 2 बार कम कर दिया, तो मैं इसको क्या लगभग 7 के मान लूँ, तो 0.7 आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0.7 है, यहाँ पे आपको वापस कैलकुलेशन नहीं करनी है, गामा टाइम्स ऑफ सीवी, तो गामा की वैल्यू कितनी है 1.375 इंटू आपको 0.7 करना है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.7 से तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.9625, तो ये लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास में सीपी की वैल्यू 1 के पास में कौन सी है, देखिए ये 1.2 है, ये 1.0, ये देखिए सबसे नज़दीक ये है, यहाँ पे देखिए 1.1 आ गया, ये 1.2 है, तो यानी कि सबसे नज़दीक जो है हमारा आंसर वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.6 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा क्योंकि हमने कम किया था, और इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, 0.8 तो नहीं आएगा, तो आंसर तो इन दोनों में से ही हो सकता है, लेकिन वैल्यू जो है हमारे सीपी की 1 के आसपास आ रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो आप बहुत ही जल्दी आंसर कर दे पाओगे, बाकी आप एग्जैक्ट निकालने बैठ जाओगे ना तो आपसे 1-2 ही क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा जो है बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बस आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी है कट कैसे रहा है, बस आपको, इसीलिए आपको रीजनिंग भी पूछी जाती है कि आप कितना जल्दी कट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 150 केल्विन एंड 300 केल्विन द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग हीट एडिशन इज 1 किलो जूल पर केल्विन, द वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन इज। तो यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, डेल क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि ये जो डेल क्यू है ये क्या है, क्यू सप्लाई है, अपॉन टी सप्लाई वाला ही ले लेंगे, यानी कि हाइएस्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी आपको कितना दे रखा है, चेंज इन एंट्रोपी दे रखा है 1 किलो जूल पर केल्विन, और क्यू सप्लाई आपको कितनी दे रखी है वो निकालनी है आपको, ठीक है। तो क्यू सप्लाई अपॉन टेम्परेचर कितना दे रखा है, सप्लाई वाला ध्यान रखना है आपको, तो सप्लाई वाला 300, तो हमारा जो क्यू सप्लाई है यहाँ से आ गया 300 किलो जूल। अब यहाँ पे आप सभी को पता है एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T lowest / T highest, तो एफिशिएंसी 1 - T lowest कितना है, 150 अपॉन कितना है 300, तो ये कितना है 1/2, यानी कि हमारी एफिशिएंसी आ गई 0.5, और एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, तो हमारे पास हीट सप्लाई है तो वर्क डन आ जाएगा, तो W बराबर 0.5 × Q सप्लाई, तो जितनी सप्लाई है उसका आधा हो जाएगा, तो 300 × 0.5 यानी कि 150, तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है।
तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।